हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। और टाइम हो चुका शाम के 4 बज चुके हैं और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड पराठा की सिंपल सी रेसिपी। और आज है मेरी वीडियो में नया मेहमान, तो बाय करो बेटा। हेलो हेलो, ये है मेरी बांजी का बेटा, यानी कि मेरा क्या लगा, ये मेरा दूता लगा, मैं इसकी लगी नानी। और ये मेरी हर रेसिपी को चेक करता है, ये बताता है कि कैसी है। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी रेसिपी। हेलो, माई सेल्फ तानिया, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, आई लिव इन रोहतक। और आज मैं अपनी मौसी जी के घर आई हूँ अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए। और ये हमारा पीलू क्यूट सा, ये है मेरी बहन की बेटी। वो एक दिन मैंने आपको दिखाया था कि मैं इनके घर जागरण में गई हुई थी, तो आज इनकी बारी थी, ये आए हुए हैं मम्मी बेटी। हेलो करो, हेलो हेलो, अच्छा हेलो करो, हेलो करो। तो यहाँ मैंने लिया है एक पैकेट वाइट ब्रेड और इसको मैं कटोरी से कट कर लूँगी। इस ब्रेड का बाहर वार का पार्ट मैं अलग निकाल लूँगी और अंदर से ये इस तरह से मैं ये गोलाकार में काट लूँगी। आप कोई ढक्कन भी ले सकते हो या गिलास की सहायता से भी कट कर सकते हो। मेरी ये कटोरी एकदम परफेक्ट लगी मैंने, तो ये इससे मैं ये अपने सारे ब्रेड कट कर लूँगी। और उधर गैस पे मैंने 5 आलू उबाल लिए थे, सिटी मरवा दी कुकर की उन पे मैंने, और वो ठंडे होने रख दिए। और उनका मैं मसाला बना लूँगी। और यहाँ ये सारे ब्रेड में इस तरह से मैं कट करके रख लूँगा। आप इसमें ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। और इधर ये आलू मेरे पक चुके थे, तो इनको मैं ठंडे पानी में निकाल दूंगी जिससे कि जल्दी से ठंडे हो जाएं। और फिर मैं इनको छील लूंगी। देखिए आलू मेरे ठंडे हो चुके हैं और इनको मैं छील के और एक बर्तन में डाल के इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। आप इनको उस घी आकस में भी कस सकते हैं या आप हाथ से भी इनको अच्छी तरह से मसल सकते हैं। तो इनका मैंने सबको अच्छे से ये मिक्सचर बना लिया और अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, ये तीखे वाला मिर्ची पाउडर है मेरा, क्योंकि पराठा चटपटा ही अच्छा लगता है। और एक चम्मच भर के डाल दूंगी मैं इसमें धनिया पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार। और एक चम्मच भर के डाल दूंगी मैं इसमें कसूरी मेथी और एक चम्मच के करीब ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर चाट मसाला। और इनको मिला लूँगी मैं अच्छे से हाथ से। और अब लास्ट में मैं डाल दूँगी इसके में जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक, तो इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बन के सामने आएगा। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मिक्सचर मेरा तैयार। और इधर सारी ब्रेड मैंने काट के रख ली थी, अब मैं इनको चकले बेलन की सहायता से रोटी की तरह इनको बेल लूँगी इस तरह से। और इनके ऊपर या तो आप थोड़ा सा मैदा का घोल लगा सकते हो जिससे कि मिक्सचर अच्छे से चिपक जाए, वरना वैसे भी ये चिपक ही जाएगा। मैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा घी लगा लूँगी इस तरह से।
और इसके ऊपर डाल दूंगी मसाला जो मैंने आलू का तैयार किया था, एक चम्मच भर के, और अच्छे से इसको चारों तरफ इस तरह से फैला लूंगी। इसके ऊपर दूसरा लगा लूंगी इस तरह से, इसको मैं दबा दूंगी और फिर से इसको हल्के हल्के हाथों से मैं इसको बेल दूंगी। और गैस पे मैंने नॉन स्टिक पैन चढ़ाया हुआ है, आप अपना सादा तवा होता है जो लोहे वाला उस पर भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें पैन ही यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के और इसको दोनों तरफ से अच्छा सा करारा होने तक मैं इसको सेक लूँगी अच्छी तरह से दबा दबा के। बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं ये, ट्राई करके ज़रूर देखना एक बार ये इस तरह से। और आप इसको सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, या अचार के साथ, या फिर आप चाय के साथ खा सकते हो। बहुत ही कम समय में बनके ये तैयार होते हैं, और या फिर आप सुबह बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो, लेकिन मैं ये शाम के टाइम बना रही हूँ, 4:15 बजने वाले हैं शाम के, और उस टाइम तब हल्की फुल्की सी भूख लगती है तो ये झटपट से बन जाते हैं। और ब्रेड वगैरह तो हर घर में रखे ही होते हैं, तो ये सारे पराठे मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। कुछ आज आपने वीडियो की शुरुआत में देखा ही होगा कि मेरी बहन आई हुई है और उसकी बेटी, तो उसने कहा कि मौसी कुछ बना के दो, तो ब्रेड मेरे पास ऑलरेडी रखे थे तो झटपट तो वही यही चीज़ बन सकती है। और लास्ट में मेरा थोड़ा सा मसाला बच गया था आलू वाला, और तो उसका मैंने एक आलू का पराठा बना दिया। ये देखा अच्छे से मेरा पराठा फूल चुका है, बहुत तो मसाला था ही, आटा रखा हुआ था सुबह का। ये देखिए कट करके देखिए, और इसको सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ, मुझे तो ये चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो कभी ट्राई करके आप ज़रूर देखना। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।